जैसे आप देखें ना, जब आपकी शादी विवाह होता है तो शादी के लिए बाबूजी क्या करते हैं, सारा कार्ड छपवा लेते हैं। तब जरूरी है जितना कार्ड छपाया है उतना ही मेहमान बुलाया जाए, ये जरूरी नहीं होता है। कभी कभी कुछ कार्ड क्या होते हैं, बच भी जाते हैं। तो देखो, हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज आप सभी का फिर से महेश सर के अकाउंट की दुनिया में स्वागत है। आज आपके लिए महेश सर लेकर आए हैं अकाउंट का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, शेयर। आज हम लोग पढ़ने वाले अंश शेयर, जो इंटर यानी 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और ICSE बोर्ड और बीकॉम थर्ड ईयर के एग्जाम पेपर में क्या होता है, हर साल पूछा जाता है। बिना इसके आपका एग्जाम पेपर बनेगा ही नहीं। तो आप ये जान लीजिए ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। तो पूरे वीडियो पे आज क्या है, बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपका शेयर का फुल कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। आज है शेयर का फर्स्ट पार्ट। आज हम इसका टाइप, थ्योरी, इंपॉर्टेंट सब कुछ क्या करेंगे, बताएंगे। और अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो यार वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपके पास महेश सर की इंटरटेनिंग स्टडी की वीडियो क्या होती है पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है शेयर। तो शेयर जानने के लिए आइए पहले हम आपको बताते हैं छोटी सी कहानी। चलिए देखिए, अब एक व्यक्ति है, जिसका नाम है राम। जय श्री राम। राम जी क्या खोलना चाहते हैं, कंपनी। क्या राम जी खोलना चाहते हैं, कंपनी। तो राम जी को पता है कि कंपनी खोलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कैपिटल की। किसकी, कैपिटल मींस पूंजी। अब राम जी को लगता है कि यार कम से कम जब तक 10 लाख रुपया नहीं होगा तो कंपनी कैसे खुलेगी। तो अब राम जी सोचते हैं अगर नई कंपनी खोलना है और नई कंपनी पूरा 10 लाख हम लगाते हैं तो ये कहीं से भी समझदारी नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर कंपनी चली तो बल्ले बल्ले, नहीं चली तो ठल्ले ठल्ले। यानी अगर कंपनी डूब गई तो मेरा पूरा पैसा क्या होगा, डूब जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें, इस 10 लाख में 3 लाख हम लगा देते हैं। राम जी सोच रहे हैं कितना हम लगा दे, 3 लाख हम लगा देते हैं और 7 लाख रुपए के लिए कुछ लोगों को क्या किया जाए, हायर किया जाए, यानी कुछ इन्वेस्टरों को पकड़ा जाए जो हमारे कंपनी में क्या करें, कैपिटल लगाए। तो जिससे ये होगा कि कंपनी चली तो ठीक है, कंपनी डूब गई तो हम तो डूबेंगे साथ में, उन्हों के लिए डूबेंगे, हमारा तो कुछ बच जाएगा। वो कहावत सुने ना, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले बीते, यानी हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले जाएंगे। राम जी बहुत होशियार व्यक्ति हैं, सोच रहे हैं कि कम से कम तीने तो डूबेगा, कम से कम 7 तो मेरा बचेगा, चल गया तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी के तो ऑनर हम ही हैं। तो राम जी क्या करते हैं, इस 7 लाख के लिए कहां संपर्क करते हैं, मार्केट में। मार्केट में बहुत सारे क्या बैठे होते हैं, इन्वेस्टर। इनका काम ही होता है लोगों की कंपनी में पैसा लगा के मुनाफा कमाना। अब आप सुनिएगा, तो राम जी कहते हैं इन इन्वेस्टर, अभी देखिए हम लोग फिर पहुंचने वाले शेयर पे हैं, अब इस स्टोरी को पूरा देख लीजिए, पूरा शेयर क्लियर हो जाएगा। तो राम जी क्या कहते हैं कि आप मेरे कंपनी में कैपिटल लगाइए, 7 लाख रुपया लगाइए, ठीक है। तो अब ये जो बैठे ना सभी कहते हैं हाँ 7 लाख रुपया लगाओते, अगर आप किसी एक व्यक्ति से 7 लाख मांगेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। तो राम जी क्या करते हैं, 7 लाख एक व्यक्ति से नहीं मांगते, 7 लाख रुपए को छोटे छोटे भागों में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी वो 7 लाख रुपए के लिए खूब सारा पेपर छपवाते हैं, जैसे देखो ये है ना, वो क्या करते हैं 7 लाख के लिए खूब सारा पेपर छपवाते हैं, देख रहे हैं खूब सारा, ताश ना समझिए लोगों, कोचिंग का एडिटिंग कार्ड है। तो वो क्या करते हैं 7 लाख रुपए के लिए खूब सारा क्या छपवाते हैं, पेपर छपवाते हैं, और हर एक पेपर का क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। यानी मान लो उन्होंने क्या किया, एक पेपर की वैल्यू कितनी रखी, 100 रुपए, तो 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 7000। यानी वो मार्केट में कुल कितना पेपर इशूड करा देते हैं, 7000। देखो ये जो 7000 पेपर इशूड हुआ है और हर एक पेपर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, तो ये जो शेयर दिख रहा है आपको यही कहलाता है शेयर। यानी कैपिटल का वो भाग जिसे छोटे छोटे रूप में क्या किया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, वही कहलाता है अंश, यानी पार्ट ऑफ कैपिटल। शेयर क्या होता है, पार्ट ऑफ कैपिटल। आप जानते हैं हम लोग कहते हैं ये उनके अंश हैं, राम जी किसके हैं, दशरथ जी के अंश हैं, हम लोग किसके, हम लोग अपने पिता के अंश हैं। यानी अंश मतलब किसी बड़े भाग का छोटा सा हिस्सा। तो शेयर क्या होता है, शेयर इज इक्वल टू कैपिटल, यानी कैपिटल का वो हिस्सा जिसे छोटे छोटे रूप में क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, वही क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। तो क्लियर हो गया, शेयर क्या होता है, शेयर
किसी कंपनी के कैपिटल को पाने के लिए मार्केट में जब उसको छोटे छोटे भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं शेयर। तो शेयर क्या है? आपका कैपिटल है। शेयर क्या है? आपका कैपिटल है। तो अब आ जाओ यहां, देखो टाइप ऑफ कैपिटल। देखो शेयर के कैपिटल के कई टाइप होते हैं। टाइप क्या है? सबसे पहला आता है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज मतलब देखो राम जी ने क्या किया है, 7 लाख रुपए का शेयर मार्केट में इशू किया है। तो 7 लाख रुपए इनको ऑथोराइज करना पड़ेगा कि मैंने 7 लाख रुपए का क्या बनवाया है, शेयर। यानी कुल कितने शेयर? 7 है इस कंपनी। आप ये कह सकते हैं राम जी की कंपनी में कुल कितना शेयर है? 7000 शेयर। ये 7000 का शेयर आपको सेबी से ऑथोराइज कराना। डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसका काम होता है ऐसे कंपनियों पर नजर रखना जो कंपनी लोगों से पैसे का क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। ठीक है, तो अब सेबी से ऑथराइज करा लेते हैं, यानी वो टोटल नंबर ऑफ शेयर क्या कहलाता है? ऑथराइज कैपिटल। अब जरूरी नहीं है कि राम जी 7000 शेयर अगर ऑथराइज कराए हैं तो मार्केट में 7000 ही शेयर क्या कर इशू कर, ये जरूरी नहीं होता है। ठीक, तो मतलब जैसे आप देखें ना, जब आपकी शादी विवाह होता है तो शादी के लिए बाबूजी क्या करते हैं, सारा कार्ड छपवा लेते हैं। तब जरूरी है कि जितना कार्ड छपाया है उतना ही मेहमान बुलाया जाए, ये जरूरी नहीं होता है। कभी कभी कुछ कार्ड क्या होते हैं, बच भी जाते हैं। तो देखो यानी जितना ऑथोराइज कराया जाए उससे जितना भी इशूड, यानी इसी में से इशूड करना है आपका ना, यानी आपके शादी में आपके पिताजी ने 1000 कार्ड छपवाया तो उसी में से ना इशूड करेंगे कि पड़ोसी वहां से कड़वा ला के इशूड कर देंगे, वो तो किसी को आप देंगे नहीं न्योता में। तो यानी मतलब 7000 शेयर में से आपने मार्केट में कुल कितने शेयर भेजे? 6000। इन 7000 कार्ड में से आपने न्योता कितने का दिया? 6000। जितना का न्योता देंगे वो कहलाएगा इशूड कैपिटल। यानी इशूड कैपिटल क्या है? ऑथराइज में से जितना मार्केट में क्या किया जाए, भेजा जाए, वो कहलाता है इशूड कैपिटल। समझ में आ गया? इसके बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब क्या है? अब 6 में से लोगों ने कितना खरीदा, मान लो 5000। यानी आपने तो न्योता 6000 लोगों को दिया पर आए कितना? 5000 लोग। जितने लोग क्या करेंगे, आपके शेयर को परचेस करेंगे, वो कहलाता है सब्सक्राइब कैपिटल। यानी आपने सेबी से कितना शेयर लिया? 7000। मार्केट में कितना इशूट किया? 6000। अच्छा, में से लोगों ने कितना खरीदा? 5000। ये हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। उसके बाद आता है कार्डअप कैपिटल। तो कार्डअप क्या होता है? अब जब 5000 लोग क्या करेंगे, आपके शेयर को खरीद लेंगे, तो राम जी की कंपनी उन लोगों के पास फोन करके क्या मांगती है? पैसा। जैसे हम लोग बिना मांगे न्योता लेते हैं ना, न्योता मिलता है ना, उसी तरह जितने लोग आए हो न्योता देंगे ना, तो उसी तरह राम जी कह रहे हैं आपने खरीद लिया है तो मुझको क्या दीजिए? पैसा दीजिए। यानी पैसा लेने के लिए जो कार्ड, मतलब कार्ड समझ रहे फोन, हेलो 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 कौन, यानी फोन करना लोगों के पास, क्या करना? फोन करना, वो क्या कहलाता है? कार्डअप कैपिटल। अब पेडअप क्या है? देखो ये कार्डअप मतलब हो गया फोन करना। पेडअप मतलब होता है अब जितने लोग के पास आप कॉल कर रहे हैं, यानी लोगों से पैसा मांग रहे हैं, उसमें से जितने लोग आपको पैसा दे, यानी आपने 5000 लोगों से मांगा पैसा, पर पैसा कितने लोगों ने दिया आपको? सिर्फ 4500 लोगों ने पैसा दिया, वो हो गया पेडअप कैपिटल। देख लेते ना, शादी विवाह में ऐसे बहुत से मेहमान आते हैं जो खा के क्या होते हैं, फुर से निकल जाते हैं, न्योतवे नहीं देते हैं। गिनती तो करा दिया पर न्योतवे नहीं दिया। यानी 5000 लोगों में से कुल कितने लोगों ने आपको न्योता दिया, यानी कितने लोगों ने पैसा दिया? 4500। जो पैसा देते हैं वो कहलाते हैं पेडअप कैपिटल। उसके बाद देखो दो आता है रिजर्व कैपिटल। देखो उल्टा हो गया कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में बहुत अंतर है। देखो रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होता है, राम जी जैसे जानते हैं कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है, यानी जितने लोगों ने मुझे पैसा दिया, आप देखो 4500 लोगों ने अगर पैसा दिया होगा तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। यानी कंपनी में समय 4.5 लाख रुपए क्या हो चुका है? पहुंच चुका है। तो राम जी को पता है कि कंपनी कभी भी कुछ भी डबाडोल हो सकता है, तो क्या करते हैं इसमें से कुछ पैसा कंपनी में ना लगा के कंपनी के नाम से कहीं पर रख देते हैं, उसी बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। यानी अपने पेडअप कैपिटल में से कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट बचा कर रखना कंपनी के भविष्य के लिए, वो क्या कहलाता है? रिजर्व कैपिटल। तो कैपिटल रिजर्व क्या है? देखो कैपिटल रिजर्व का मतलब ये होता है कि भी आप आगे पढ़ेंगे हम आपको बताएंगे, कुछ ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो कि पैसा हमको नहीं देते, यानी पूरा पैसा नहीं देते, तो कंपनी उनके पूरे पैसे की क्या करती है? मांग करती है। यानी मान लो एक व्यक्ति ने 10 शेयर खरीदा है और 100 रुपए के रेट से उसको कितना पे करना है? 1000। देखो जो आप ये
5000 शेयर इशूट कर रहे हो, 6000 शेयर इशूट कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि कोई एक ही व्यक्ति खरीदे। अब हर व्यक्ति स्वतंत्र है। एक पेपर का वैल्यू कितना है? 100 रुपये। जिसके पास जैसा पैसा होगा वो अपने बजट से क्या करेगा, कंपनी का शेयर परचेस कर लेगा। और कंपनी को क्या चाहिए? पैसा। पैसा आना चाहिए कहीं से भी आए, कहीं से अगर 10 शेयर का आ रहा है, कहीं से 100 शेयर का आएगा, उसको बस इससे मतलब है कि मेरा टोटल 5000 शेयर क्या होना चाहिए, 6000 शेयर क्या होना चाहिए, मार्केट में बिकना चाहिए, चाहे कोई 10 खरीदे चाहे कोई 1000 खरीदे, उससे मतलब नहीं है। तो मान लो व्यक्ति ने 10 शेयर खरीदा और उसको कितना पे करना है, 1 शेयर का 100 रुपए, तो उसको मार्केट में कुल कितना देना है, 1000 रुपए देना है। तो 1000 रुपए में से मान लो इन्होंने अभी 600 ही दिया है, 400 नहीं दिया है, कंपनी 400 बार बार मांगेगी। जब 400 नहीं देंगे तो कंपनी इनके शेयर का क्या कर लेती है, फॉरफीचर कर लेती है, अपहरण यानी इनके शेयर का जब्त करके इनको निकाल देती है, इनके शेयर को फिर से मार्केट में इशू करती है और दूसरे व्यक्ति से क्या करती है, 1000 रुपए ले लेती है। तो इनका जो इन्होंने जो 600 कंपनी में दिया है ये कंपनी में सेफ हो जाता है, यानी हमको 1000 बाहर से मिल गया, अब इनका पैसा कंपनी में फुल टू फुल बच जाता है, उसी को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ये जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तब आपको और बेहतर तरीके से क्या होगा समझ में आ जाएगा। यानी कैपिटल आप समझ गए, शेयर क्या होता है, कैपिटल का एक भाग है, एक कैपिटल है, और इस कैपिटल को कितने रूप में बांटा गया है, 7 रूप में क्या किया गया है, बांटा गया है। यानी जब बड़े अमाउंट को पाना हो तो क्या कीजिए, आप अपने बड़े अमाउंट को पाने के लिए उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके लोगों से क्या कीजिए, अपील कीजिए और लोगों को फ्री कर दीजिए पैसा देने के लिए कि एक पेपर का वैल्यू 100 रुपये है, तो कोई भी आपकी कंपनी में पैसा क्या कर सकता है, जमा कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपने एक मूवी देखी होगी मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, अक्षय कुमार की पिक्चर थी, उसमें रिक्वायरमेंट था उनके ससुर जी का कि आपको 1,00,000 रुपया लेकर आना है। तो अक्षय कुमार क्या करते हैं, ध्यान दीजिए होंगे आप, 1,00,000 रुपये के लिए वो 100-100 रुपये का कार्ड छपवाता है। कुल कितना बंदा 1000 कार्ड छपवाकर मार्केट में शूट कर देता है और कहता है सभी लोगों से कि आप मेरे शादी में आइएगा तो आपको ये भी चीज खाने को मिलेगी, पर साथ में 100 रुपये न्योता लाएगा। तो उनका प्लान क्या रहता है कि 1000 लोग जब कार्ड लेकर आएंगे 100 रुपये के हिसाब से तो मुझे कितना न्योता मिलेगा, 1,00,000, और हम अपने ससुर जी का शर्त क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। तो बात समझ में आ रहा है। तो सेम वही चीज कंपनी करती है कि ज्यादा पैसा पाने के लिए उसको छोटे छोटे भागों में क्या करती है, डिवाइड कर देती है। ये तो आप समझ गए कैपिटल क्या होता है। अब देखो कैपिटल जानने के बाद अब एक चीज और जान लीजिए कि शेयर के टाइप कितने होते हैं, शेयर के टाइप कितने होते हैं, शेयर कितने टाइप का होता है। देखो शेयर 2 टाइप का होता है, इक्विटी शेयर और प्रिफ्रेंस शेयर। शेयर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है इक्विटी शेयर यानी समतांश, एक होता है प्रिफ्रेंस शेयर यानी पूर्वाधिकार अंश। अब इन्वेस्टर तो इसके बारे में जानते हैं क्या इक्विटी का फायदा है, क्या प्रिफ्रेंस का फायदा है, आपको नहीं पता, हम आपको बताते हैं। देखो पहले ये जान लो कि कोई भी इन्वेस्टर जब कंपनी में शेयर खरीदता है तो वो उसमें कुछ प्रॉफिट चाहता है, ऐसे वो पैसा नहीं लगाएगा, वो कहता है कंपनी से आप मुझे इसमें क्या देंगे, तो कंपनी उनके द्वारा लगाए गए पैसे पे क्या पे करती है, प्रॉफिट देती है। और जो शेयर में प्रॉफिट दिया जाता है उसका नाम डिविडेंड है। क्या नाम है उसका, डिविडेंड, डिविडेंड यानी लाभांश, यानी जो भी कंपनी को लाभ होगा उसका कुछ हिस्सा क्या किया जाएगा, शेयर होल्डर को पे किया जाता है। तो जो कंपनी का शेयर खरीदते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं और शेयर होल्डर ही कंपनी के क्या होते हैं, ऑनर होते हैं, ठीक है। तो आपको उस प्रॉफिट का क्या मिलेगा, एक हिस्सा मिलेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग लाभ का हिस्सा, लाभांश यानी डिविडेंड। तो अब देखो डिविडेंड के थ्रू कैसे जानोगे क्या होता है इक्विटी शेयर और क्या होता है प्रिफरेंस शेयर, ज्यादा कुछ हम नहीं बताएंगे, हम आपको उसमें दो क्या बता देते हैं, डिफिनेशन बता देते हैं। देखो इक्विटी में क्या है कि यहाँ पे कंपनी ये कहती है कि आप जितना भी पैसा, अगर आपने मेरे पास 1,00,000 लगाया और मान लो 1,00,000 का हिस्सा होता है 1,000 रुपये, तो हम अगर आपने 1,00,000 लगाया, 1,00,000 का हिस्सा 1,000 होता है, तो हम आपको 1,00,000 पर 1,000 रुपये क्या देंगे, प्रॉफिट देंगे, ठीक है। और अगर कंपनी भविष्य में जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, हम आपका प्रॉफिट क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। यानी आप एक बार पूंजी लगा के छोड़ दीजिए, आपको शुरू में आपको आपका एक फिक्स हिस्सा मिल जाएगा, बट अगर कंपनी भविष्य में जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी उस हिसाब से आपका भी हिस्सा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कंपनी ने और कमाया तो आपको 10,000 मिलेगा, कंपनी और कमाई तो आपको 1,00,000 मिलेगा, कंपनी और कमाई तो आपको 10,00,000 मिलेगा। यानी आपने लगाया 1,00,000 पूंजी है और आपको प्रॉफिट मिल रहा है 10,00,000,
यानी जैसे कमाओ वैसे दो, यानी कंपनी का रूल है इक्विटी में कि हम जैसे कमाएंगे हम वैसे आपको पे करेंगे, बट अगर कंपनी डूब जाती है यानी कंपनी बैठ गई, नहीं या डूब गई, तो उस केस में आपका कैपिटल रिटर्न नहीं होगा। सबसे पहले कंपनी अपने पैसे में से प्रिफरेंस शेयर होल्डरों को पेमेंट करती है, कंपनी की डूब गई तब वो अपना सारा एसेट सोल्ड करेगी, उसमें सबसे पहले प्रिफरेंस शेयर जिन्होंने खरीदा उनको पेमेंट करती है, फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज को पेमेंट करती है, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर वो किसको देती है, इक्विटी शेयर को। तब तक मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचता, यानी यहाँ मुनाफा खूब है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, यानी मुनाफा खूब है पर कंपनी डूब गई तो आपका कैपिटल भी क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। पर प्रिफरेंस शेयर में क्या होता है, यहां का जो डिविडेंड है आपका यानी जो प्रॉफिट वो फिक्स होता है, यानी अगर आपने 1,00,000 लगाया और 1,00,000 के हिसाब से 1,000 आपका प्रॉफिट बनता है तो आजीवन आपको 1,000 ही प्रॉफिट मिलता रहेगा, चाहे ईयरली चाहे सिक्स मंथली, सिक्स मंथली और ईयरली चलता है। तो आपको जो भी प्रॉफिट होगा, यानी कंपनी कुछ भी कमाए उससे मतलब नहीं है, आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 1,000 ही क्या होगा, हर साल हर 6 महीने पर मिलेगा। बट यहां नो रिस्क है, आपको कोई रिस्क नहीं है, यानी अगर कंपनी डूब गई तो आपका कैपिटल नहीं डूबेगा, ये फिक्स होता है, क्योंकि कंपनी जब अपने एसेट को सोल्ड करती है सबसे पहले आपको ही पेमेंट करती है। यानी यहां पर प्रॉफिट खूब है पर रिस्क ज्यादा है, यहां प्रॉफिट कम है पर रिस्क कम है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक शेयर जो भी आपको पसंद हो आप परचेस कर लीजिए। तो इसी तरह जब कंपनी मार्केट में सूट करती है तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पूछते हैं कि आपका इक्विटी शेयर है कि आपका प्रिफरेंस शेयर है, तो कंपनी बताती कि मैंने इक्विटी शेयर लॉन्च किया है कि प्रिफरेंस है। जो भी शेयर लॉन्च किया हो, जो इन्वेस्टर होता है उसको जो पसंद होगा वो क्या करेगा, खरीद लेगा। ओके, अब इन्वेस्टर ने खरीदा तो मान लो कंपनी ने मार्केट में कौन सा शेयर इशू कर दिया, इक्विटी शेयर, कौन सा शेयर इशू कर दिया, इक्विटी। अब मान लो इक्विटी शेयर इशू किया, अब एक व्यक्ति जो मान लीजिए राज नाम का लड़का है, राज को इनका इक्विटी शेयर पसंद आता और ये कहता है राज कि चलो हम तुम्हारे 500 शेयर को खरीद लेते हैं, और आपको पता है ना हम लोगों ने निकाला था 7,00,000 रुपए के लिए, पर शेयर की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए, यानी मार्केट में कुल कितना शेयर इशू हुआ है, 7,000। अब राज कहता है ठीक है हम तुम्हारे 5,000 शेयर को परचेस कर लेते हैं, तो राज को पता होना चाहिए कि 500 शेयर के लिए 100 के हिसाब से कुल कितना पे करना है कंपनी में, 50,000 रुपए। अब बात ध्यान सुनिएगा, कितना पे करना है, 50,000 रुपए पे करना है। तो राज कहेगा कि 50,000 रुपया हम आपको कैसे दें, कहां दें, कहां दें भाई, हनुमान मंदिर के पीछे दें कि पुलिया के नीचे दें, कहां दें, या रोड पर रुक के दे दें या कबाड़ वाले डब्बे में डाल दें, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसे नहीं ना पैसा लेंगे, कोई बच्चा किडनैप थोड़ी ना किया, तो पैसा ऐसे तो आप लोगे नहीं। तो पैसा लेने का क्या होता है, एक सिस्टम होता है, यानी राज जब पैसा देगा उस सिस्टम के तहत देगा, ना कि किसी हनुमान मंदिर के पीछे ले आके क्या करेगा, रख देगा। तो बात समझिएगा, राज क्या पूछ रहा है किससे, हे राम जी हम ये 50,000 रुपया आपकी कंपनी को कैसे दें, जिससे मेरे लिए भी प्रूफ हो कि मैंने आपकी कंपनी में 50,000 रुपया लगाया है। राम जी कहेंगे आप परेशान ना हो, आपको 50,000 रुपया देना है, अभी हम आपको बताते हैं 50,000 आपको कैसे देना है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा बेटा वो इस प्रकार से किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, यही तीन प्रोसेस होते हैं शेयर होल्डरों से पैसा लेने के। पहला अप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। अप्लीकेशन मतलब होता है आवेदन, अलॉटमेंट मतलब होता है आवंटन, और कॉल मतलब होता है याचना। तो देखो कंपनी जब अपना शेयर इशू करती है वो पहले ही इस पर एक रेट तय कर देती है कि मान लो इस पर 20%, इस पर 30%, और जो बचा वो इस पर कितना, 50%। तो कंपनी कहती है कि जब आपने मेरा शेयर खरीदा होगा तो देखिए शेयर के पीछे कुछ लिखा होगा, अप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, 20%, 30%, 50%, मींस आप जितना शेयर परचेस करेंगे आपको उस पैसे को इसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा, पे करना होगा। यानी अब अप्लीकेशन मतलब क्या, सबसे पहले आप कंपनी का जो ये शेयर परचेस किए हैं इस शेयर पे नंबर भरिए, अपना नाम पता लिखिए, अपना व्यवसाय लिखिए, सब कुछ लिखकर इस शेयर यानी इस फॉर्म को कंपनी में क्या कर दीजिए, जमा, यानी शेयर को
फॉर्म को भरकर कंपनी में सबमिट करने का सिस्टम ही कहलाता है एप्लीकेशन। यानी फॉर्म को भरकर कंपनी में क्या करना देना क्या कहलाता है एप्लीकेशन। और इसके पीछे अगर 20% लिखा है जिसका मतलब जो भी वैल्यू आपने खरीदा है उसका 20% मुझे दे दीजिए, तो 50,000 का 20% कितना हो गया 10,000। यानी जब आप फॉर्म भरकर कंपनी में जमा करोगे तभी आपको पे कितना करना होगा 10,000 रुपये। क्लियर। दूसरा अलॉटमेंट क्या होता है, अलॉटमेंट मतलब जब कंपनी में जो फॉर्म आपने जमा कर दिया है तो आपकी तरह बहुत सारे शेयर होल्डरों ने क्या किया होगा कंपनी में अपने फॉर्म को जमा किया होगा। तो अब जब कंपनी के रजिस्टर में आपका नाम आ जाए यानी राज नाम लिख दिया गया, तो जिस दिन कंपनी के रजिस्टर में आपका नाम लिख दिया जाएगा वो प्रोसेस कहलाता है अलॉटमेंट। देखते ना स्कूल में क्या होता है, सबसे पहले आप फॉर्म भरते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, फिर स्कूल के एग्जाम में जब आप क्लियर कर लेते हैं तो स्कूल के बाहर एक क्या किया जाता है कागज चपका होता है जिस पर आपका नाम लिखा होता है। इसका मतलब स्कूल ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, अब जाके आप क्या कीजिए नाम लिखवा लीजिए, स्कूल के रजिस्टर में आपका नाम क्या हो गया चढ़ गया। सेम वही प्रोसेस होता है। तो कंपनी के जिस रजिस्टर में आपका नाम मेंटेन हो गया तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है अलॉटमेंट। अभी आपको कैसे पता चलेगा, तो अब आपको परेशान नहीं होना है, आपने एप्लीकेशन कर दिया तो कुछ दिन बाद कंपनी का एक आदमी आपके घर जाता है, आप निकलते हैं, कंपनी का आदमी, मैं राम एंड कंपनी से आया हूं सर, क्या आपने एप्लीकेशन किया था, तो राज कहेगा यस, तो सर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। और आपको जैसा कि पता होगा जैसे एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है यानी आपका अलॉटमेंट हो गया तो आपने जितना भी शेयर खरीदा है उसका 30% क्या करिए पे करिए, यानी 5,15,000। तुरंत राज को कितना पे करना होगा 15,000। देखो अब राज अब तक कितना पेमेंट कर चुका है 25,000 दे चुका है, कोई बात नहीं, कंपनी अभी यहां से रन कर जाती है। अब कॉल मतलब आप सही समझ रहे हैं जो फोन वाला कॉल, यानी अब 50 का मतलब 25,000 रुपया राज से अभी और लेना है, तो कंपनी इस 25,000 रुपये के लिए राज के पास फोन करती है। देखो जब पहला बार फोन करेगी उसको बोलेंगे फर्स्ट कॉल, ट्रिंग ट्रिंग हेलो, राज बोल रहे हैं यस आई एम रामेंट कंपनी, सर आपका 25,000 बैलेंस बाकी है तो आप उसको कब पे करते हैं। राज कहेंगे यस अपने आदमी को भेजिए हम दे देंगे। जब राम एंड कंपनी का आदमी आता है तो राम देखो राज क्या करता है 25,000 में से सिर्फ 10,000 पे करता है। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं, आप कुछ भी दे सकते हो। राज ने 10,000 दिया यानी एक पहली बार फोन आया और राज ने कितना पे किया 10,000 पे किया, तो 10,000 पे लेकर राम का आदमी चला जाता है। तो फिर राम एंड कंपनी से दूसरी बार फोन आता है तो उसको बोलेंगे सेकंड कॉल, जब तक आप पेमेंट नहीं कर दोगे तब तक फोन आता रहेगा। अब उसका आदमी फिर आता है तो राज क्या करता है उसको फुल पेमेंट कर देता है, यानी 15,000 रुपये जो बैलेंस था पूरा पैसा दे दिया, तो उसको बोलेंगे तब आप देखिए अगर नहीं पेमेंट करता तो सेकेंड कॉल, और अगर फाइनल दे देता है तो उसको बोलेगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यानी जिस बार आप लास्ट पेमेंट करेंगे वो कॉल आएगा फाइनल कॉल, और नहीं तो जब तक आप पेमेंट रोकते जाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होता रहेगा बढ़ता रहेगा। आप क्लियर हो गए शेयर क्या होता है, बड़े अमाउंट को छोटे छोटे भागों में बांटना इस शेयर कॉल आता है। शेयर के कैपिटल कितने टाइप के होते हैं 7 टाइप के आप क्लियर हो चुके हैं। शेयर कितने टाइप का होता है 2 टाइप का, इक्विटी एंड प्रिफ्रेंस। और पैसा यानी कंपनी में पैसा देने का सिस्टम क्या है एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल। इसी पे बाबू पूरी जर्नल एंट्री क्या होती है सॉल्व होती है जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब इसके बाद एक और टॉपिक बचा शेयर का, ध्यान से देखिएगा लगे रहिएगा बोर मत होना यार, बहुत अच्छा लेसन है, एक बार पूरा सिस्टम समझ लीजिए आपको फुल टू फुल शेयर क्या होने वाला है क्लियर। अब आता है शेयर कितनी टाइप से इशू होता है, यानी मार्केट में शेयर को कितने टाइप से क्या किया जाता है इशू किया जाता है। देखिए मार्केट में शेयर को 3 टाइप से इशू करते हैं, एट पर प्रीमियम एट प्रीमियम, और तीसरा होता है एट डिस्काउंट। देखो यानी मार्केट में शेयर कितने प्रकार से इशू करते हैं, 3 प्रकार से इशू करते हैं, एट पर एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। बट एट डिस्काउंट को अब खत्म कर दिया गया, यानी अब कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर पाएगी। अब वो कितने प्रकार से इशू होगा, सिर्फ 2 प्रकार से, एट पर और एट ए प्रीमियम। एट पर क्या होता है और एट ए प्रीमियम क्या होता है, देखो जैसे
एक शेयर की कीमत कितनी रखी गई है? 100 रुपए। यानी 100 रुपए के सामान को अगर मार्केट में 100 रुपए में ही बेचा जाए तो वो कहलाता है एड पर। यानी जितना छपा है उतना ही लिया जा रहा है तो क्या कहलाएगा? एड पर। बट छपा 100 रुपया है और लिया जा रहा है 110 रुपए, यानी ब्लैक मनी। यानी ये काम वो कंपनियां करती हैं जिनका मार्केट वैल्यू बहुत हाई होता है, जिसमें सबको पता होता है इस कंपनी में पैसा लगाएंगे तो पैसा डूबेगा नहीं, तो वो कंपनी अपने नाम का, अपने गुडविल का आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेती है। यानी रेट तो छपा 100 रुपया है पर वो ले कितना रही आपसे? 110। यानी एक्चुअल प्राइस से जब अधिक प्राइस पे हम लोग किसी भी शेयर को परचेस करते हैं तो वो कहलाता है एट ए प्रीमियम। प्रीमियम क्या? एक्चुअल प्राइस से अधिक। तो ये 10 रुपया कंपनी का हो जाता है और 100 रुपया आपका कैपिटल कंपनी के रिकॉर्ड में क्या होता है? छप जाता है। और डिस्काउंट में क्या था? 100 रुपया छपा हो और बिक कितने पर रहा हो? 90 रुपये बिक रहा हो, तो वो कहलाता था डिस्काउंट। तो ऐसे केस में ऐसी कई कंपनियां आ जाती थी जिनका व्यापार बहुत होता था और वो सोचते थे चलो एक हमने नया व्यापार डाला है तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को एकदम कम कर देते हैं, यहाँ से कोई लाभ नहीं कमाएंगे, बस अपने शेयर होल्डर बढ़ाएंगे। तो इससे होता क्या था, अदर कंपनियों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था। तो इसलिए सरकार ने इसको बैन कर दिया कि इसको साले बंद करो, तुम सिर्फ 2 प्रकार से इशू करो, एट पर और एट ए प्रीमियम। यानी या तो उतना ही लो या तो उससे ज़्यादा लो, तो ज़्यादा हो ही लेगा जिसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? एकदम जबरदस्त होगी। उम्मीद है आज आपको शेयर का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट करिए जिसमें आने वाला है शेयर का न्यूमेरिकल। ओके बच्चा लोग, वीडियो अच्छा लगा हो तो यार एक बार लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।